हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन में आज हम बायोलॉजी की हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 1858 से। इन 1858 साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्शो, जिनका सेंटेंस ओमिनिस सेलुला ई सेलुला था, जिसका मीन कि जो न्यू सेल्स है, जो नई सेल्स है, वो बॉडी में पहले से प्रेजेंट जो सेल्स है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, उनमें डिवीजन से बनती है। इस सेंटेंस को बाद में सेल थ्योरी में भी एक्सेप्ट किया गया। इन 1859 चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिसकी फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थी, इस बुक में इन्होंने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन को प्रेजेंट किया। इन्होंने ही 1881 में कैंडी ग्रास ने फोटोट्रोपिज्म को प्रेजेंट किया। फोटोट्रोपिज्म किसी भी प्लांट पार्ट का एक्सटर्नल स्टिमुलाई, फोटो मीन्स लाइट के लिए होने वाला रेस्पॉन्स है। इन 1862 to 1883 जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, जिन्हें हम बेंथम एंड हुकर नेम से भी जानते हैं, इन्होंने अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम में प्लांट्स के क्लासिफिकेशन का नेचुरल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट किया। इन 1864 फ्रांसिस साइंटिस्ट लुई पाश्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज प्रेजेंट की, जिसमें इन्होंने बताया कि सभी डिजीज के लिए एक जर्म, एक पैथोजन रेस्पॉन्सिबल है। इन्होंने ही चिकन कोलेरा के लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी की और इन्होंने स्पॉन्टेनियस थ्योरी को डिस्कार्ड किया। इन 1864 अर्नेस्ट हीकल, जिसने प्लास्टिड वर्ड का यूज़ किया, प्लास्टिड का एक फॉर्म क्लोरोप्लास्ट हम स्टडी करते आए हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल पिगमेंट्स क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इन्होंने ही प्रोटेस्टा किंगडम में यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स को रखा। इन 1866 ग्रेगर जोहन मेंडेल, जिनके बारे में हमने 10th में भी स्टडी की थी, 12th के अंदर भी हम जेनेटिक्स चैप्टर में डिटेल में इनकी स्टडी करने वाले हैं, इन्होंने पाइसम सेटाइवम गार्डन पी पे अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के बेसिस पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाए। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नेम से भी जाना जाता है। इन 1874 फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की और न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन नेम दिया। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए सभी ऑर्गेनिज्म में कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। जो आरएनए, जो न्यूक्लिक एसिड है, उसका फंक्शन प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। इन 1878 जोसेफ लिस्टर, इन्होंने कार्बोलिक एसिड का यूज़ डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में किया।